आपको ज्ञात है पिछले कुछ दिन पहले किन्नौर युवा कांग्रेस ने इस कोविड-19 इस महामारी से लड़ने के लिए पहले चरण में हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पीपीई किट उपलब्ध करवाया, थर्मल स्कैनर उपलब्ध करवाया, N95 उपलब्ध करवाया, साथ ही साथ डीसी ऑफिस में भी हमने दिया था पीपीई किट वगैरह, N95 थर्मल स्कैनर। इसी के साथ साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के साथ मिलके हमारे आदरणीय अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी की अध्यक्षता में किन्नौर युवा कांग्रेस भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात कार्य कर रही है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अब दूसरे चरण में हम इसको एक अभियान के रूप में वन डे सैनिटाइजेशन ड्राइव किन्नौर युवा कांग्रेस द्वारा चलाया गया, जिसको हमने टोटल पूरे किन्नौर में 6 टीम इस महामारी से लड़ने के लिए आज पूरे किन्नौर में सैनिटाइज कर रही है। इसकी शुरुआत हमने चौरा बैरियर से शुरू की, जो हमारी पहली टीम है। चौरा बैरियर होते हुए निचार, बाबा नगर होते हुए फिर कड़गांव काफनू तक पूरा सैनिटाइज करेगी। दूसरी टीम करछम, टापरी, छोलतू के आसपास वाले एरिया में करेंगे और तीसरी टीम सांगला, रक्षम, छितकुल और चौथी टीम हमारी रिकोंगपियो, कल्पा, कोठी, खोंगी और पांचवी टीम हमारी अक्पा, मुरंग, स्पीलो, कू। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने वैसे एरिया चुने जहां पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, जैसे कि बाज़ार, बैंक, PSCs, एनिमल हस्बेंड्री, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पुलिस चौकी, पुलिस पोस्ट, जितने भी तमाम जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, उन सब जगहों में युवा कांग्रेस ने ठाना है कि भी वन डे सैनिटाइजेशन ड्राइव करेंगे और इसको हम लगातार अगले चरण में भी इसको हफ्ते 10 दिन बाद फिर से करेंगे, क्योंकि जो ये केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमने आज आपने देखा होगा कि भाई साथ ही साथ पीपीई किट पहना के पूरा प्रोटेक्शन, मतलब कि जो सैनिटाइज करेगा उसको भी संक्रमण का खतरा ना रहे, इसलिए हमने उनको पीपीई किट उपलब्ध करवाया और पूरी की पूरी टीम को किन्नौर में पीपीई किट उपलब्ध करवाया। उसी को देखते हुए अभी हमने सुबह सांगला भी हमारा शुरू हो चुका है, चौरा भी शुरू हो चुका है और करछम टापरी भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस दिन रात मिल के आम जनता के सहयोग से इस महामारी से लड़ने के लिए कार्य कर रही है और मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि और सभी पूरे किन्नौर की जनता इस बधाई के पात्र है कि इन्होंने प्रशासन और सरकार के साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ने के लिए दिन रात कार्य किया है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में 1.5 दर्जन ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोविड-19 के केसेस नहीं आए हैं, तो बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उसमें से एक हमारा किन्नौर ज़िला भी है, जिसका श्रेय पूरी किन्नौर की जनता को जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और मैं प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करूँगा कि भी जैसे लोग किन्नौर से बाहर से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे लोग किन्नौर से लाए जा रहे हैं, उनका जल्द से जल्द टेस्टिंग किट के माध्यम से उनका टेस्ट करवाया जाए, ताकि जो संक्रमण का खतरा है, जो एक हमें एक शक है कि बाहर से जितने लोग आए हैं, कहीं ना कहीं एक सेफ्टी के रूप में हम चाहते हैं कि सरकार एक टेस्टिंग किट के माध्यम से और टेस्टिंग करवाए।